राजगढ़ ब्यावरा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज विषय के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार जी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे जीवन का सुधार होता है और ब्रह्मा कुमारी बहनें यह सेवाएं लगातार दे रही हैं। कार्यक्रम में पूरे जिले से व्यापारी, पत्रकार, राजनेता, प्रशासन कर्मचारी और आसपास के गांव के सरपंच और पटेल बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिन्हें राजगढ़ जिला प्रभारी बी के मधु दीदी ने ईश्वरीय सौगात भेंट की और ब्यावरा सेवा केंद्र प्रभारी बी के लक्ष्मी दीदी ने सभी का आभार व्यक्त किया। ऐसे ग्वालियर में ब्रह्मा कुमारीज बिजनेस विंग की ओर से आध्यात्मिक प्रेरित वित्तीय विकास कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता बीके डॉक्टर गुरुचरण सिंह रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि अतीत और भविष्य की चिंता हमें मानसिक रूप से बीमार करती है, इसीलिए हमें सदैव वर्तमान में रहना चाहिए। तो वहीं लश्कर की प्रभारी बीके आदर्श दीदी ने कहा कि आज इंसान की इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। ऐसे में आध्यात्मिकता हमें बचत एवं समझदारी से अपना तन, मन और धन का व्यय करना सिखाती है। मध्य प्रदेश के दतिया स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर यातायात परिवहन एवं पर्यटन विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों के लिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के अंतर्गत माउंट आबू से यातायात एवं परिवहन प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर सुरेश ने अपने संबोधन में कहा कि जैसे व्यापार में सफलता के लिए मधुर व्यवहार, पारिवारिक संबंधों में आपसी समझ जरूरी है, वैसे ही जीवन में सुरक्षा के लिए सड़क सुरक्षा नियमों की पालना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दतिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीपा बहन ने सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए मन को शांत और खुशनुमा बनाने के लिए राज्यों को बहुत ही कारगर उपाय बताया। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ बाल प्रगति संस्था के प्रमुख सुधीर तिवारी, पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र दुबे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भरत परमार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व प्रबंधक मान सिंह एवं कई जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ ब्रह्मा कुमारीज नेपाल यूथ विंग ने आध्यात्मिकता का मार्ग विषय पर ललितपुर के निर्णय ड्रग एंड अल्कोहल ट्रीटमेंट सेंटर, ग्रेस फाउंडेशन महिला पुनर्वास केंद्र और यूनाइटेड फेलोशिप नेपाल स्कूल ऑफ रिकवरी में जागरूकता कार्यक्रम किए, जहां बीके विनोद अग्रवाल ने मादक द्रव्यों के सेवन पर काबू पाने में राजयोग मेडिटेशन किस प्रकार सहायक होता है इसकी विस्तार से जानकारी दी। बीके विनोद के अलावा बीके उपमा, बीके विश्वनाथ और बीके संतोष ने भी राजयोग ध्यान कराया। लखनऊ स्थित सिडबी कार्यालय में अधिकारियों को तनाव प्रबंधन के तरीके बताने के लिए ब्रह्मा कुमारीज गोमती नगर सेवा केंद्र को आमंत्रित किया गया। कार्यशाला का विषय रहा स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेडिटेशन वर्कशॉप। गोमती नगर सेवा केंद्र की ओर से राज्य शिक्षिका बी के स्वर्णता बहन ने सिडबी अधिकारियों को तनाव मुक्त रहने के कुछ आध्यात्मिक सूत्र दिए, साथ ही तनाव पर पूरा नियंत्रण पाने के लिए राज्य मेडिटेशन का प्रशिक्षण लेने का सुझाव देते हुए कुछ क्षणों के लिए राज्यों का अभ्यास भी कराया। ऐसे ग्वालियर के मालनपुर स्थित सूर्या कंपनी में ब्रह्मा कुमारीज महाराजपुरा सेवा केंद्र द्वारा संबंधों में समरसता विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से यातायात एवं परिवहन प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बी के डॉक्टर सुरेश भाई मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय संबंधों में विचार न मिलने से दूरियां आती जा रही है, ऐसे में आवश्यकता है एक दूसरे को समझने की, ना कि अपने आप को सही सिद्ध करने की। जब हम एक दूसरे के विचारों को सम्मान देंगे तब हमारे संबंधों में मधुरता आएगी। कार्यशाला में महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बी के छोटी बहन भी उपस्थित रही और सभी को राजयोग मेडिटेशन से मिलने वाले लाभों से अवगत कराया। अरुणाचल प्रदेश के मेड़ो स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बी के भगवान भाई के पहुंचने पर जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें कई स्कूलों के डायरेक्टर, प्रधानाचार्य, सेक्रेटरी और प्रधान शिक्षक और सेवा केंद्र प्रभारी बी के जयंती बहन उपस्थित रहे। भगवान भाई ने इस मौके पर कहा कि नैतिक शिक्षा से बच्चों में सही समय पर सही निर्णय लेने व उसे पूरा करने का विवेक और बल जागृत होता है।
मुंबई बोरीवली सेवा केंद्र पर सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मेडिकल विंग के कार्यकारी सदस्य बीके डॉक्टर सचिन परब ने अपने वक्तव्य में विचारों को सूक्ष्म रूप से चेक करने की ओर सभी का ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि हमारे आज के विचार हमारा भविष्य बना रहे हैं। 400 से भी ज्यादा लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे और लाभ लिया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में नवनियुक्त आरोग्य एवं कुटुंब कल्याण केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव जी को बुलढाणा सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला बहन ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और ईश्वरी सौगात देकर अभिनंदन किया। साथ ही ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया, जिसको मंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र पर डॉक्टर्स के सम्मान में कार्यक्रम रखा गया। बहनों ने सभी डॉक्टर्स को तिलक, ब्लेसिंग कार्ड एवं पौधा देकर अभिनंदन किया और साथ में मुख भी मीठा कराया और कहा कि अपनी सुख सुविधाओं का भी त्याग कर चिकित्सक निरंतर लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने की सेवा में उपस्थित रहते हैं, इसीलिए दुआओं से उनका खाता सदा भरपूर रहता है। ऐसे पन्ना सेवा केंद्र में भी डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वृक्षारोपण के साथ किया गया। मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक जैन सहित समस्त स्टाफ कार्यक्रम की शोभा रहे। अंत में ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा सभी का सम्मान किया गया और सभी को सुंदर स्लोगन के फ्रेम भी उपहार में दिए गए। ओडिशा के गिरी रोड स्थित प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर पर आदित्य बिरला समूह कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके माला बहन और अन्य बीके बहनों ने संस्था का परिचय और राजयोग मेडिटेशन प्रणाली के विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में HR महाप्रबंधक और प्रबंधक समेत 22 कर्मचारी उपस्थित रहे। ओडिशा कवि सूर्य नगर में नव निर्मित प्रभु प्रीत भवन का उद्घाटन मधुबन की बीके उर्मिला बहन, विधायक प्रताप चंद्र नायक और मधुर भारती पत्रिका संपादक मिसेस जयंती पडियारी की उपस्थिति में किया। प्रीत भवन के उद्घाटन के लिए सभी अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं दी। उद्घाटन से पूर्व शहर में रैली निकालकर इस कार्यक्रम की सूचना भी दी गई थी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर स्थित ब्रह्मा कुमारी दिव्य संस्कार भवन का 29वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम दीदी ने सभी अतिथियों को बधाई दी। कार्यक्रम में जबलपुर मेडिकल कॉलेज से वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर श्याम रावत एवं रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर लखन बेस और जबलपुर से आई बीके भावना बहन मुख्य रूप से उपस्थित रही। ऐसे छतरपुर सेवा केंद्र में संस्था के सुरक्षा प्रभाग द्वारा नौगांव थाने के पुलिस कर्मियों के लिए सकारात्मक चिंतन से सकारात्मक परिवर्तन विषय पर एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें नौगांव पुलिस थाना प्रभारी सतीश सिंह, गरोली चौकी प्रभारी नेहा गुर्जर, माया सरवानी समेत थाने के समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। राजयोग शिक्षिका बीके रीना ने सभी को संस्था का परिचय देते हुए कहा कि एक मूल्यनिष्ठ संसार की स्थापना करना ही संस्था का मुख्य लक्ष्य है, जिसके लिए संस्था पिछले 88 वर्षों से लोगों को राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा दे रही है, ताकि उनके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आ सके। पंजाब के रामा में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए संस्कार स्पार्किंग समर कैंप लगाया गया। इस कैंप में बच्चों को नैतिक शिक्षा, ईमानदारी, आज्ञाकारिता, प्रेम व एकता के ऊपर समझाया गया और साथ साथ खेल खेल में बच्चों को नैतिकता का भी पाठ पढ़ाया गया। कैंप के अंतिम दिन बिजनेसमैन विलास मित्तल, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल नवनीत कुमार शामिल हुए। विलास मित्तल जी ने बच्चों को कहा कि 20 दोस्त नहीं, केवल 2 दोस्त बनाओ जो आपको आगे लेकर जा सके। और नवनीत भाई ने बच्चों से कहा कि अनुशासन कोई बंधन नहीं है, यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ITU दिल्ली में विश्व रक्षक समूह द्वारा जलवायु परिवर्तन बैठक का आयोजन किया गया। विश्व रक्षक समूह में निर्मला फाउंडेशन, विकास ज्योति, सोशल रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन सिटी योगा आदि कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इस बैठक में फरीदाबाद सेक्टर 46 की बीके मधु बहन भी उपस्थित रहीं। बैठक का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कैसे कंट्रोल करें, जिस पर सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। बीके मधु बहन ने जलवायु परिवर्तन के उपाय बताते हुए मानसिक प्रदूषण को मेडिटेशन द्वारा दूर करने की अपील की।